शिक्षा इंग्लिश लर्निंग कितना महत्वपूर्ण है। आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया पिछले कुछ दिनों से, वी हैव बीन वॉचिंग आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मोटिवेटेड, कितना इम्पोर्टेंट बच्चों के इस कार्यक्रम में आकर ऐसे मोटिवेशन तो मुझे मिला है, क्योंकि बच्चों के साथ रहने के बाद आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। आज के इस कार्यक्रम में संजय जी जो है, संजय पराशर, उन्होंने जसवा परागपुर के लिए जो एक संस्था बनाई है उसके माध्यम से वो जो उस लोगों की सेवा के एक कार्यक्रम बना रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम अनुकरणीय होते हैं। समाज में अपने बहुत सारी दिक्कतें होते हैं, लेकिन उसको पहचान कर, उसको आइडेंटिफाई करके उस दिशा में जाने की आवश्यकता होती है। और मेरे मित्र संजय पराशर, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को ज़रूर मिलेगा, लेना चाहिए। खास करके बच्चों के लिए उन्होंने कंप्यूटर और इंग्लिश लर्निंग के जो क्लासेस शुरू किए हैं वो तो और भी अच्छे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों को उसमें, उनको उनका व्यवसाय, उनकी नौकरी वगैरह, इसमें बहुत बड़ा उसका सहयोग हो सकता है। तो ऐसे बहुत, मैं संजय जी से भी बात की मैंने, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह उसको ध्यान में लाकर वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गवर्नर बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू करना वगैरह ऐसा नहीं, वो तो मेरा एक स्वभाव है कि बच्चों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, समझ लेना। बच्चे होते हैं दे आर ऑलवेज वेरी इनोसेंट, तो उनके साथ बैठकर अगर मैं कुछ उनसे मेरी बातें साझा कर सकूं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। मेरे अनुभव, लोगों के अनुभव, वो अगर बच्चों के सामने आते हैं तो बच्चों आने वाले समय में कुछ ना कुछ, वो आजकल क्या होता है कि बच्चों के सामने हम कहते हैं कि देयर इज क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्राइसिस अगर है वो किसके कारण है? हमारे कारण है, हमने बच्चों को ठीक ढंग से सीख नहीं दी है। तो बच्चों के साथ बैठकर उनको अच्छी सीख अगर हम दे सकते हैं, देयर विल नॉट बी क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, देयर विल बी कैरेक्टर इटसेल्फ। तो उसको लाने के लिए बच्चों के साथ बैठना, इसलिए मेरा एक आग्रह सब बच्चों के सामने होता है कि पुस्तकें पढ़िए, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो उसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, गलतियाँ करते हैं तो भी समझ में आती हैं, अच्छाइयाँ करनी है वो भी समझ में आते हैं। इसलिए मेरा आग्रह सब बच्चों के साथ इंटरेक्शन के समय होता है, और इस कार्यक्रम को मैं आने वाले समय में भी चालू रखूँगा। थैंक यू। हमारे देहात में, गांव में, जब हमने पहली बार टेस्ट लिया मर्चेंट नेवी का, तो 72 में से 62 बच्चे फेल हो गए, जबकि उन सब के 50 से ऊपर मार्क्स थे इंग्लिश में 10th और 12th में। तो हमको लगा इसके लिए नीचे के स्तर से उठना चाहिए, और आजकल जो कई अच्छी नौकरियां मिल रही हैं उसमें अंग्रेजी का एक योगदान है। और मुझे लगता है बचपन में आप बहुत भाषाएं सीख सकते हैं, नरसिम्हा राव जी ने 17 सीखी थी, हमारे बच्चे 6-7 तो सीख ही सकते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी ज़रूरी है। बाकी कंप्यूटर इसलिए भी ज़रूरी है कि बिना कंप्यूटर के, बिना टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में ना बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और ना डिजिटलाइजेशन के बगैर देश आगे बढ़ पाएगा। तो इसकी तैयारी हम गांव-गांव में कर रहे हैं, तो इसलिए जसवां परागपुर क्षेत्र में 62 पंचायतें, अभी तक हम लगभग 35 खोल चुके हैं और आने वाले समय में और 65 के करीब खोलेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको नहीं लगता इसकी ज़रूरत है? आप पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए क्या काम करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग है? जितना मेरी गठड़ी है जो पैसा होना उन्हें मैं खर्ची सकता, मेरी अगर जेब में 2 रुपए, मैं 2 रुपए खर्च सकता हूँ, मेरे घर के आसपास की गुर्बत मिटा लूँ, उसी में जीवन जी लूँ, वही मेरे लिए बहुत है। और भगवान अगर और सामर्थ्य देगा तो और खर्चेंगे। और ये जो मुझे लगता है स्कूल के पाठ्यक्रम में जो कंप्यूटर्स का हुआ है और जो इंग्लिश का एक जो होना चाहिए काम, मुझे लगता है उसमें एक रिव्यू की ज़रूरत है और सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। सर, यहाँ कितने बच्चे लाए हैं, क्या सोचते हैं? सर, यहाँ पर करीब 170 बच्चे हैं, और उसके साथ में इंग्लिश लर्निंग सेंटर, कंप्यूटर स्किल सेंटर के टीचर्स भी हैं। ये हमारा फ्री सेंटर्स चलते हैं, और सोच ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे आगे जाके मनरेगा का काम करें या फिर पंजाब में जाके दिहाड़ीदार मजदूर बने। तो इसलिए हम उनको बचपन से ही शिमला दिखाना चाहते हैं, बचपन से ही गवर्नर से मिलाना चाहते हैं, बचपन से ही 5-स्टार होटल दिखाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि गुरबत से हटकर एक अमीरी जो एजुकेशन सिस्टम वाली होती है उसका जो सीधा पार्ट है वो गवर्नर जी के माध्यम से हो जाए तो वो अच्छा रहता है। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये ट्रिप अरेंज किया है। आगे भी इस तरह के कोई और? बिल्कुल, अभी तो ये नेशनल है सर, हम इंटरनेशनल तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों में जबरदस्त जज्बा है, 90-95-98% लेकर आते हैं,
तो मुझे लगता है एक्सपोजर मिलना चाहिए और वो एक्सपोजर देने के लिए पूरे समाज को जुड़ना चाहिए। मैं उसमें छोटा सा जो अपना हिस्सा है गिलहरी का रोल अदा कर रहा हूँ, जो भगवान श्री राम के लिए सेतु पुल के लिए मिट्टी इकट्ठी करने का काम गिलहरी ने किया था, हम भी बस वही काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि हिमाचल में गांव में जो इस तरह के बच्चों को प्लेटफॉर्म देना जो है और लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्या हुआ? देखिए, दो साल ने बेड़ा गर्क कर दिया है एजुकेशन सिस्टम का, जो ये घर में बैठा दिया बच्चे, मोबाइल फ़ोन की आदतें पड़ गई और मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सिग्नल है नहीं, तो दो साल तो बच्चे पढ़े नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये दो साल में पिछले दो साल को मिलाकर चार साल की पढ़ाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि देहात में सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे हैं, शहरों में बहुत सुविधाएं हैं, कंप्यूटर ये एक बहुत दूर की चीज़ हो जाती है और अब तो घर घर में ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये एक्सपोजर देहात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ये निवेदन है जो लोग अच्छे हैं सामर्थ्यशाली हैं वो गाँव गाँव को अडॉप्ट करें जैसे मोदी जी ने कहा है और काम करें, जम के काम करें। धन्यवाद।